नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारे यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आजना वीडियो नी अंदर अपने धोरण 6 विषय छे हिंदी, जेनो पाठ 8मो के जे सत्र 1 नी अंदर आवे छे, जेनु नाम छे राजा का हिस्सा। आ पाठना अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नो विषे जोवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चेनल मां नवा होय तो मारी चेनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो। वीडियो सारो लगे तो लाइक करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, जेथी मारा आगळना तमाम वीडियो पण आपने मळता रहे। तेमज मित्रों, आ पाठनी पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर में जाइ अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु संजय पटेल डाउनलोड करी तमारा मोबाइल में इंस्टॉल करो। जे तमे शुरू करशो तो तमने आ प्रकारे जोवा मळशे, जेमां उपलब्ध बधा धोरणोनी अंदर धोरण बतावशे, धोरण पसंद करशो एटले विषय बतावशे, विषय पसंद करशो एटले पाठ बतावशे, जेमां वीडियो पर क्लिक करता वीडियो जोई शकशो अने अन्य साहित्य पर क्लिक करता पीडीएफ जोवा मळशे। तो आशा राखुं छुं अमारी एप्लिकेशन आपने गमशे, जरूर डाउनलोड करजो। तो चलो मित्रों, हवे आपणे शुरू करीए पाठ 8मो राजा का हिस्सा। सौप्रथम अभ्यासना प्रश्नो जोईए, जेमां पहेलो प्रश्न छे, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों? पहला, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। दूसरा, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, वह हल चलाना रोक कर राजा से बात करना नहीं चाहता था। तीसरा, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई जो हल में एक बैल के साथ जुती हुई थी। चौथा प्रश्न, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। पांचवा, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। प्रश्न दो, पढ़िए और चर्चा कीजिए। पहला, जब कोई आधा वर्ण एक वर्ण के साथ मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, संयुक्ताक्षर है द ध्य, जिसमें द और य जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ऐसे संयुक्ताक्षर हमें मिलते हैं जिसमें द य से ध्य होता है, द व से द्व होता है, द ध से ध होता है, ह और न से चिन्ह होता है, ह और म से मह होता है, द से दृश्य होता है। इस प्रकार प्रश्न तीन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, किसान खेती के किन किन साधनों का उपयोग करता है, चर्चा कीजिए। तो किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हसिया आदि साधनों का उपयोग करता है। दूसरा, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? तो किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करता है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। तीसरा, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज्यादा पैदा होती है? तो मेरे गांव के आसपास में रबी की फसलें ज्यादा होती है। इस फसल में गेहूं, जौ, चना और सरसों पैदा होती है। चौथा प्रश्न, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? तो किसान की मुख्य उपयोगिता गाँव में होने वाली खेती में है। खेती करके वह तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करता है। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उसके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीजें बाजार में बिकने के लिए आती है। पांचवा प्रश्न, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो हाँ, मैं किसान बनना चाहूंगा। किसान बनने से अनेक लाभ है। गांव की हवा, शुद्ध हवा होती है। पीने के लिए कुएं या नलकूप का शीतल जल मिलता है। अपने खेत में पैदा की गई ताजी सब्जियां खाने को मिलती है। अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता। अपनी पालतू गाय भैंस का ताजा दूध पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं। गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गाँव में पहले जैसी असुविधाएं नहीं है। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है।
छठा प्रश्न, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में, क्यों? ये मैं तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे पसंद है, परंतु वर्तमान स्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, इनकी आपूर्ति पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती है, बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मजेदार, सस्ती और सुरक्षित है, अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूंगा। सातवां प्रश्न, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। उत्तर, तो अनिल, सुशील, साहिल और हर्षित नाम के लड़के बगीचे में बैठे हैं, पशु हमारे मित्र है, इस विषय में उनमें चर्चा हो रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ चर्चा छे ते आपने अहीं जोवा मळे छे, जे तमे अहींथी जोई अने लखी शकशो। ચાલો આગળ જોઈએ, પ્રશ્નો સ્વાધ્યાય શરૂ થાય છે, અભ્યાસના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ, જિસમે પહેલા પ્રશ્ન, રાજા ભોજને ભ્રમણ કરતે હુએ ક્યા દેખા? રાજા ભોજને ભ્રમણ કરતે હુએ ક્યા દેખા? રાજા ભોજને ભ્રમણ કરતે હુએ એક ગાંવ કે નિકટ પહોંચે, વહાં ઉન્હોને દેખા કે એક ખેત મે એક કિસાન હલ ચલા રહા હૈ, મગર ઉસકે હલ મે एक ही बेल है, दूसरे बेल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। दूसरा, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तीसरा, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो किसान के दो बेलों में से एक बेल मर गया था, दूसरा बेल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था, खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण किसान उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। चौथा प्रश्न, किसान को राजा भोज के दो बैल मिलने पर खेती की फसल में क्या फर्क हुआ? तो किसान के राजा भोज के दो बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया, इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई, खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। पांचवा प्रश्न, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो किसान को पता नहीं था कि अपने दो बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है, इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। छठा प्रश्न, किसान ने क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? तो किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर ले, अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया, इसलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया। सातवां प्रश्न, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर उनकी बात सुने, तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता, यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न दो, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो राजा भोज धारा नगरी के राजा थे, वे विद्या प्रेमी थे, विद्वानों और गुणी जनों का वे सम्मान करते थे, वे बड़े प्रजावत्सल थे, प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे, उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। तीसरा, सही जोड़ मिलाइए, आंख खुलना तो सही बात का ज्ञान होना, आंख लगना एकदम से सो जाना, आंख चुराना सही बात से टल जाना, आंख दिखाना क्रोध करना, आंखों का तारा होना बहुत प्रिय होना, आंखों में चमक आना तो प्रसन्न होना। प्रश्न चार, उपयुक्त महावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला, व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आंख खुल गई, बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई, कुछ कारण जरूर है इसलिए वह मुझसे आंख चुरा रहा है, जरा सी गलती होने पर भी आप मुझे आंखें दिखाने लगे,
उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है, प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आंखों में चमक आ गई। निम्नलिखित शब्द विशेषण है, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला होगा, किसान के पास एक बैल था। आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। बड़ा रोमिल साहिल का बड़ा भाई है। होनहार, सचमुच तुम होनहार लड़के हो। मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। मेहनती, भारत के किसान मेहनती है। आठवां, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। गांव के बाहर एक पक्का हुआ कुआं है। कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है। पौधों पर बालियां है। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हसिया है। दूसरे खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है। प्रश्न सात, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद इस प्रकार होगा, भोज राजाए रथ रोक्यो अने खेडूतनी पासे जईने कह्युं, भला माणस तू आ केवो अत्याचार करी रह्यो छे, अरे क्यांय स्त्रीने शुं हळमां जोतराती हशे। सातवा, बक्षे में से शब्दकार उनको शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो शब्दकोश का क्रम इस प्रकार होगा, किसान, खेत, प्रजा, प्रसन्न, फसल, बैल, राजा और स्त्री। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणो पाठ 8 राजा का हिस्सा ना अभ्यास ने स्वाध्याय प्रश्नों पूरा थाई छे। अगलना पाठना प्रश्नों ने तेना जवाबो मेळवा मारी चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करो। फरी मळीशुं नवा पाठ साथे। त्यां सुधी आवजो।